हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल जी टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप किसी भी डिपार्टमेंट से ऑल ओवर इंडिया के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट में जाते हैं या फिर आपका किसी भी तरह से कॉल के थ्रू कंसर्न होता है और अगर आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और उसका कोई भी अधिकारी या एम्प्लॉई आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत आप गवर्नमेंट की किसी भी संस्था या फिर किसी भी प्राइवेट संस्था जिसके भी ऑप्शंस आपको पोर्टल में मिल जाते हैं आप उससे इन्फॉर्मेशन या कह सकते हैं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो एक्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में इंडिया में लागू हो गया था। तो इस एक्ट के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप कैसे किसी डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन गेट करेंगे, आज ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसके लिए आपको क्या पेमेंट करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग आगे देखें। तो मैं ले चलता हूं आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के पोर्टल पे, जहां से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन घर बैठे बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। तो इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप कोई भी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी डिपार्टमेंट में आपसे किसी तरह का चार्ज लिया जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं या मांगे जा रहे हैं और इसकी आपको जानकारी पता करनी है कि क्या इस तरह का पेमेंट हर डिपार्टमेंट में चल रहा है या उस डिपार्टमेंट में है कि नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक्ट के तहत ले सकते हैं। तो मैं ले चलता हूं आपको आरटीआई के पोर्टल पर और आगे का पूरा प्रोसेस दिखाता हूं। तो आप आएंगे अपने ब्राउजर पे और सर्च करेंगे आरटीआई और सबसे पहला जो यूआरएल आएगा rtionline.gov.in, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आरटीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, पोर्टल है, वो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल पोर्टल है, बहुत ही इसमें ज्यादा ऑप्शंस आपको नहीं दिए गए हैं कुछ भी करने के लिए। तो यहाँ पे ये लोड होते ही एक पॉपअप आएगा जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव, जिसमें नेशनल एंथम सिंग करने पे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलता है। इसके बारे में मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पे आप देख सकते हैं। अगर नेशनल एंथम आप सिर्फ जो वर्ड्स आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे बोलेंगे तो आपको एक अच्छा सा सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आप फ्रेम करा के अपने घर ऑफिस में लगवा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं पहले कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, आपको अगर अपना सर्टिफिकेट चाहिए तो आई बटन पे वीडियो को देख के डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको ये राइट टॉप कॉर्नर पे एक्स का बटन है, आप यहां से क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सबमिट रिक्वेस्ट का सबसे पहला जो ऑप्शन है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक गाइडलाइंस आ जाएगी जिसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, जिसमें आरटीआई की इंफॉर्मेशन है, कितने डॉक्यूमेंट्स में आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम है या जो भी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी डिपार्टमेंट से गेट करनी है वो क्या इंफॉर्मेशन है, या किसी तरह का अगर आपने चार्ज पे करा है किसी डिपार्टमेंट में उसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो 3000 कैरेक्टर्स मिलते हैं, आपको एक बॉक्स मिलता है आगे जिसमें आप टाइप करके अपनी प्रॉब्लम को या अपनी इंक्वायरी को क्वेरी को उसके अंदर लिख सकते हैं। वीकर सेक्शन से है, क्या कह सकते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो यहाँ पे एक ₹10 का पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आपको ये पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं तो आपको यहाँ पे ₹10 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये गाइडलाइंस है, आप पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे की तरफ आना होगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आप कंसर्न देंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिस फॉर्म में पूरी आपको डिटेल्स भरनी होगी और ये बॉक्स दिया है, देखिए लिखा है टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। तो आपकी जो प्रॉब्लम है, क्वेरी है, वो पूरी क्वेरी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है इज अप एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अगर आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं यहाँ यस करेंगे तो आपको ₹10 का पेमेंट नहीं करना होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे पॉवर्टी लाइन के अबव हैं तो यहाँ ₹10 का पेमेंट करना होगा। तो चलिए इस फॉर्म को जल्दी से भरते हैं और पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे आपको क्या क्या भरना है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं सर्च पब्लिक अथॉरिटी का है, तो यहाँ पे आप टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आरटीआई ऑनलाइन पे आए हैं तो आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट शो होते हैं तो आप सर्च भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपके बेस्ट रहेगा आप ये सेलेक्ट ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट ड्रॉप डाउन पे और देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट जो भी ऑल ओवर इंडिया रन कर, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, किसी ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही रन करता है या फिर उसी से अथॉरिटी प्राप्त होती है। तो आपको यहाँ पे वही डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कि आपको किस डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर किसी मनी रिलेटेड सर्विस रिलेटेड आपको एक इंक्वायरी करनी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आरटीआई करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं जो इस वीडियो में कर रहा हूँ वो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इसमें प्रॉब्लम ये थी, मेरे एक रिलेटिव्स हैं जिन्होंने स्कूल से एक टीसी ली है, जिस टीसी को उन्होंने देने के लिए ₹2000 का पेमेंट लिया है, तो इसी पेमेंट की इंक्वायरी मुझे करनी है कि क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीसी के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए कॉलेज अपनी मर्जी से कोई भी पेमेंट चार्ज कर सकता है या कोई फिक्स अमाउंट इसके लिए भी बनाया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में।
तो यहाँ पे मैं जो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का ऑप्शन है इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन और मिल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, तो आप चाहे तो एजुकेशन स्कूल या फिर लिटरेसी से भी कर सकते हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ही आते हैं एजुकेशन वाले। तो चलिए मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट द पब्लिक अथॉरिटी, तो यहाँ पे आपको एक पब्लिक अथॉरिटी सेलेक्ट करनी होगी। देखिए अब वही वाला ऑप्शन इसके अंडर में आ गया। तो जैसा मैंने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, तो इसी के अंदर सारे डिपार्टमेंट आते हैं, तो ये सब डिपार्टमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी आ जाती है, और 12th तक के आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये लास्ट वाला ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप अपना ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो मेरा सेकंड ऑप्शन है, तो मैं सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करते देखिए गलत आया, योर रिक्वेस्ट विल बी फिल्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करते ही ये सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी में। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स और हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। इसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है भेजी जाएगी, और एक मोबाइल नंबर डालना है जिसपे टाइम टू टाइम अलर्ट आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद जो आपने ईमेल आईडी डाली है वो यहाँ कन्फर्म करेंगे, अपना नेम डालेंगे, जो इसकी इंक्वायरी करना चाहता है वो पूरा नेम डाल सकता है, या आप किसी के बिहाफ से कर रहे हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसी की लिखनी होगी। जो इंक्वायरी कर रहा है वो अपना जेंडर सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखेगा जहाँ पे वो करेंटली रिसाइड कर रहा है, क्योंकि कभी कभी आरटीआई के बिहाफ से कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी लेटर आपको भी भेजा जा सकता है जिसमें आपको पूरी डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन बताई गई हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड नंबर डालना है, कंट्री सेलेक्ट रहती है, आप अदर करके अगर आप कंट्री से बाहर है तो भी आप अदर कंट्री डाल सकते हैं। स्टेट यहाँ ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे, स्टेटस सेलेक्ट करना है आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन से हैं, एजुकेशनल स्टेटस जो भी आपका है लिटरेट या इलिटरेट ये मैं आपको फिल करके अभी दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने ऊपर का पूरा फॉर्म फिल कर लिया है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पे आप लिटरेट सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपने 12 स्टैंडर्ड से कम पास करा है या ज़्यादा पास करा है, या ग्रेजुएट है या अबव ग्रेजुएट है, तो आपका जो भी ऑप्शन है यहाँ आप रेडियो बटन में सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक फ़ोन नंबर और डालना होता है, आप सब्स्टिट्यूट नंबर भी डाल सकते हैं या जो नंबर आपने ऊपर फिल करा है आप वही नंबर भी डाल सकते हैं। नंबर इंटर करने के बाद यहाँ से आपको अपनी सिटीजनशिप जो ऑलरेडी सेलेक्टेड आती है वो रहन देंगे, अगर अदर कंट्री है तो आप सेलेक्ट करके कंट्री का नेम डालना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है इज एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, तो यहाँ पे अगर आप यस सेलेक्ट करेंगे तो आपको बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाएंगे, आपको 10 रुपये का पेमेंट नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है तो आप जैसे ही नो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड फी टू पे आरटीआई फी ऑफ रुपीज 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू पे द आरटीआई फी ऑफ रुपीज 10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि आपको क्या जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे मैं जो नोट है पूरी कंप्लीट लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई पेपर, कोई नोट, कोई फोटो या फिर आपके पास कोई भी रिसिप्ट है, किसी तरह का आपने पेमेंट करा है किसी डिपार्टमेंट में, तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कोई भी आपके पास प्रूफ हो उसको आप पीडीएफ फॉर्म में बना लेंगे, 1 MB से ज़्यादा नहीं रखना है, और उसको चूज फाइल करके अपलोड करेंगे। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड है, आप यहाँ पे इंटर करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ डिटेल्स बाकी की मैं फिल कर लेता हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके डिटेल को पढ़ सकते हैं, उसके बाद मैं मेक पेमेंट पे करके आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन मेरा पढ़ सकते हैं, बाकी चीज़ों को मैंने ब्लर रखा है। उसके बाद नीचे सबमिट का बटन है, बस यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही एक अलर्ट आएगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट द आरटीआई रिक्वेस्ट, आप यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करते ही आपको ये पेमेंट पे रीडायरेक्ट कर देगा, लेकिन अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन के होंगे तो डायरेक्ट आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, आपको कोई भी पेमेंट का पोर्टल नहीं आएगा। तो अगर आप अबव पॉवर्टी लाइन है तो यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आएगा जिसमें आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या रुपे कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जो भी जिस भी पेमेंट से फ्रेंडली है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको 10 रुपये का सिर्फ पेमेंट करना होगा। तो मैं सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको पे करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे के बटन पे क्लिक करेंगे, पेमेंट पे क्लिक करते ही आपको ये पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ आप अपने डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को इंटर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आपका जो कार्ड नंबर है, एक्सपायरी मंथ है, ईयर है, जिसके नाम पे कार्ड है जो आप लगा रहे हैं वो पूरा नाम लिखेंगे, कार्ड के पीछे 3 नंबर का CVV होता है वो इंटर करेंगे, कैप्चा कोड दिया है ये इंटर करेंगे और पे पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ मैं डिटेल्स को इंटर कर देता हूँ, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लर करके आपको पे पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो डिटेल्स मैंने यहाँ पूरी इंटर कर दी है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लर कर दिया है। क्लिक करते ही ये आपको एक OTP कंफर्मेशन के लिए ले जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्क्रीन आ गई, यहाँ पे OTP कंफर्मेशन होगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी बैंक होगा उसके थ्रू आपको एक OTP आएगी। तो OTP मैंने इंटर कर दी है, अब यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे।
सबमिट पे क्लिक करते ही थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपके सामने रिसिप्ट जनरेट होके आ जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं लोडिंग हो रही है, थोड़ा सा बस आपको वेट करना होगा। यहाँ पे आप रिफ्रेश या रीलोड नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम लग सकता है। तो ये देख सकते हैं ऑटोमेटिकली रीलोड होके स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, सेव का और प्रिंट का। सेव पे भी क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्म में ले जाएगा डाउनलोड करने के लिए, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी, जो रिसिप्ट आपके सामने ओपन हो रही। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के थ्रू आप अपनी आरटीआई रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले इस रिसिप्ट को जो प्रिंट कर ले रहा हूँ, प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप इस प्रिंट को सेव करके भी रख सकते हैं और चाहे तो उसको डायरेक्ट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद इस सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो मैं ये भी दिखा दे रहा हूं कि ये कुछ सेव नहीं होता, सिर्फ डायरेक्ट आपकी पीडीएफ ओपन हो जाती है इसी रिसिप्ट की। तो देखिए क्लिक करा, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे तो पीडीएफ फॉर्म में आपकी रिसिप्ट ओपन हो जाती है। तो ये देख सकते हैं आपकी रिसिप्ट ओपन हो गई, इसको आप चाहे डायरेक्टली पीडीएफ फॉर्म में भी सेव करके रख सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, अब ये मैं बता देता हूँ। आपकी रिक्वेस्ट हो गई है, अब यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इस नंबर को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद देखिए वापस से आप यहीं पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए ऑप्शन एक मिलता है आपको व्यू स्टेटस का, आपको इसी व्यू स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा अपना आगे का स्टेटस जानने के लिए, अपडेशन देखने के लिए। तो व्यू स्टेटस पे क्लिक करते ही आपके सामने देखिए इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा जो मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इसको पूरा कॉपी कर लेंगे यहाँ से और कॉपी करके आप अपने फॉर्म पे जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपने जो ईमेल आईडी अभी डाली थी आरटीआई के लिए वो ईमेल आईडी एंटर करनी होगी, सिक्योरिटी कोड है ये सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लर करके आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। तो डिटेल्स मैंने एंटर कर दी है, अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने देखिए उसी तरह की रिसिप्ट फिर से ओपन हो जाएगी, जहाँ पे स्टेटस ये शो होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये रिसिप्ट ओपन हो गई, ये स्टेटस आता है आरटीआई रिक्वेस्ट रिसिप्ट। तो जो भी अपडेशन है आपको यहीं पे आके अपनी रिक्वेस्ट देखनी होगी, जो आपने आरटीआई एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है उसको आप यहाँ प्रिंट आरटीआई एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। जो आपका स्टेटस है आप उसको प्रिंट स्टेटस यहाँ से कर सकते हैं और गो बैक क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट, या ऊपर किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू हिस्ट्री का ऑप्शन है, ये न्यू ऑप्शन है लेकिन अभी ये वर्किंग में नहीं है। आप इस पे जब जाएंगे तो आपको ओटीपी कंफर्मेशन के थ्रू आपने जब जब आरटीआई करा उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन अभी ये जो ऑप्शन है वो वर्किंग में नहीं। तो फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसेस था, इस तरह से आप किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली गेट कर सकते हैं, जो कि आपका अधिकार है 2005 से।